नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में चुनाव के बीच छिड़ी बगावत की, झारखंड में चुनाव के बीच बीजेपी को लगे बड़े झटके की, देखेंगे कांग्रेस के सेबी को लेकर बड़े खुलासे को, प्रियंका गांधी के वायनाड दौरे को, जानेंगे वक्फ बिल की बैठक को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे हिजबुल्ला को मिले नए चीफ को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिक्षा का अधिकार शरणार्थियों के लिए नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिंग्या रिफ्यूजी से जुड़ी याचिका की खारिज। याचिका में बच्चों की दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन की थी मांग। देवसांग डैम चौक में डिसएंगेजमेंट पूरा, भारत चीन सीमा से पीछे हटे सैनिक, अस्थाई निर्माण भी हटा। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, टीएमसी ने आचार संहिता उल्लंघन के लगाए आरोप, राज्य की 6 सीटों पर 13 नवंबर को होगा उपचुनाव। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 363 अंकों की बढ़त के साथ 80,369 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 127 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 24,466 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच महायुति में भारी तनाव देखा जा रहा है। सहयोगी दलों से लेकर पार्टी नेता तक नाराज नजर आ रहे हैं। कई नेताओं ने पाला बदल लिया तो कुछ के बगावत की भी खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता ने इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र एनडीए में बवाल मचा हुआ है। नामांकन के अंतिम दिन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन इसके साथ ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई है। बोरीवली सीट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल शेट्टी ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने तक का ऐलान कर दिया। पार्टी ने इस सीट से बीजेपी की मुंबई इकाई के महासचिव संजय उपाध्याय को मैदान में उतारा है। लेकिन गोपाल शेट्टी को यहां से प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बाहरी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की परंपरा का विरोध करना जरूरी है, इसलिए मैंने स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं मुंबा देवी सीट पर भी बगावत देखी जा रही है। महायुति गठबंधन में ये सीट शिंदे गुट के खाते में आई है। यहाँ से शाइना एनसी को बीजेपी से शिंदे गुट में शामिल होते ही टिकट भी मिल गई, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व विधायक अतुल शाह इससे नाराज है। पार्टी से नाराजगी जताते हुए अतुल का बयान भी आया है। नहीं, इसका कारण है कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूँ और वहां किसी और को टिकट दे दिया जाए, ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना। ये चुनाव है, चुनाव में वहाँ कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। वहीं अकोला पश्चिम सीट पर पूर्व मेयर विजय अग्रवाल को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने का भी विरोध देखा जा रहा है। उनके खिलाफ बीजेपी नेता हरीश आलम चंदानी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यानी साफ है कि बीजेपी में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है, तो गठबंधन सहयोगियों में भी यही आलम। बांद्रा ईस्ट सीट पर शिंदे गुट और अजीत गुट आमने सामने आ गए हैं और इस सीट पर अजीत गुट की तरफ से जीशान सिद्दीकी मैदान में है। शिंदे गुट ने कुलार सरमालकर को टिकट दिया है। ऐसे में अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो इस चुनाव में एनडीए के लिए विपक्ष के साथ उनके अपने ही सहयोगी और नेता भी बड़ी चुनौती साबित होंगे। महाराष्ट्र में पार्टी नेताओं की बगावत ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है, तो टेंशन बीजेपी के लिए झारखंड में भी बढ़ी हुई है। झारखंड में चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही सभी सीटों पर सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो गया है। एक तरह से समझौता तो हो गया, लेकिन बीजेपी में घमासान खत्म नहीं हो रहा। टिकट बंटवारे पर पार्टी नेता हाईकमान से नाराज हैं और नामांकन के अंतिम दिन ये नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। पार्टी नेता बगावत उतर आए हैं, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पार्टी नेताओं में भारी असंतोष झलक रहा है और कई नेता बागी हो गए हैं। बात करें टुंडी विधानसभा सीट की, तो बीजेपी ने यहां से तोपचांची के जिला परिषद सदस्य विकास महतो को टिकट दिया है। लेकिन इस फैसले से न सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि सहयोगी दल जेडीयू और आजसू भी नाराज है। इसके विरोध में बीजेपी नेता रामप्रसाद महतो ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने तक का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि विकास महतो बीजेपी में कब शामिल हुए उन्हें तो ये तक नहीं पता। वहीं भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष महादेव कुंभकार ने भी नामांकन भरने की बात कही, तो जेडीयू के नेता दीप नारायण सिंह और आजसू की नेता वाणी देवी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यानी एक सीट पर ही कई दावेदार सामने आ गए हैं। लेकिन पार्टी की मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। नेताओं के बीच सामंजस्य बनाना जितनी बड़ी चुनौती है, उतनी ही बड़ी चुनौती फिलहाल इस गठबंधन को अपना वोट बनाना है।
क्योंकि जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के लिए जिस तरह का जन समर्थन दिखाई दे रहा है, खासकर महिलाओं में कल्पना सोरेन की लोकप्रियता काफी बढ़ती दिख रही है, तो बीजेपी के कभी कोर वोटर्स रहे आदिवासी समुदाय के लोग अब पार्टी के नजदीक भी आते नहीं दिख रहे। इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ आदिवासियों की नाराजगी साफ तौर पर दिखी। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलना यही दिखाता है कि पार्टी से आदिवासियों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है, जबकि सत्ताधारी दल जेएमएम को उनकी योजनाओं का फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी चुनाव के दौरान पार्टी नेताओं की नाराजगी से परेशान है। वैसे बीजेपी की टेंशन कांग्रेस ने भी बढ़ा रखी है, क्योंकि कांग्रेस सेबी चीफ को लेकर रोज नए खुलासे कर रही है। अब कांग्रेस ने बकायदा एक वीडियो जारी करके पीएम मोदी से सीधे सीधे सवाल कर लिए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कुछ हुआ आज, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बीते कुछ दिनों से पार्टी रोज ही सेबी चीफ को लेकर नए खुलासे कर रही है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खेड़ा ने आरोप लगाया कि सेबी चीफ खुद को बचाने के लिए सरकार को ब्लैकमेल कर रही हैं। कांग्रेस में एक सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण का भी जिक्र किया गया। कांग्रेस ने सवाल किए, माधवी बुच ने अपनी दूसरी प्रॉपर्टी ऐसी कंपनी को क्यों दी जिसका सेबी से रिश्ता है? माधवी बुच ने ऐसी कंपनी में शेयर क्यों रखे जिनके इन्वेस्टर के नाम पैराडाइज पेपर्स में आए थे? अनंत नारायण ने अपनी प्रॉपर्टी एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर को क्यों दी जो सेबी की जांच दायरे में आता है? अनंत नारायण ने ऐसी कंपनी में शेयर क्यों रखे जो सेबी के दायरे में आते हैं? इसी के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को मेंशन कर इस पूरे मामले की जेपीसी जांच की मांग की है। खड़गे ने लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आप अपने द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के अधीन सेबी में पैदा हुई सड़ांध को छिपा नहीं सकते। आपने वर्षों की मेहनत से बनाई गई भारत के बाजार नियामक सेबी की पवित्रता को नष्ट किया है, जिससे करोड़ों छोटे और मध्यम निवेशकों की मेहनत से कमाई गई बचत खतरे में पड़ गई है। इस सिंडिकेट के हर पहलू की जांच के लिए गहन जेपीसी की आवश्यकता है। वहीं अडानी की मोनोपोली मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र को घेरते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया। राहुल ने लिखा, मोनोपोली बचाओ सिंडिकेट, हवाई अड्डों में एकाधिकार, बंदरगाहों पर मोनोपोली, सीमेंट में मोनोपोली, सत्ता में मोनोपोली, रक्षा में भी मोनोपोली, अडानी जो भी सेक्टर में है सिंडिकेट उसे मोनोपोली में रखता है। देखा जाए तो कांग्रेस ने एक तरह से सेबी चीफ, अडानी और केंद्र सरकार को घेर लिया है। अब इस मामले में आगे और क्या नए खुलासे होते हैं ये देखना होगा। कांग्रेस ने सेबी चीफ के मामले में केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है, तो वायनाड में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका ने मोदी सरकार पर वायनाड पुनर्वास प्रयास की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ प्रियंका ने मोदी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड दौरे के दूसरे दिन भी अपनी सभाओं में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं इसके बाद वायनाड लैंडस्लाइड में बेघर हुए लोगों में एक परिवार से मुलाकात भी की। बता दें कि इन बेघर हुए परिवारों को कांग्रेस ने नए घर बनवा कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रियंका ने सभाओं को भी संबोधित किया। इस मौके पर प्रियंका ने मोदी सरकार पर वायनाड पुनर्वास प्रयासों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए सरकार धनराशि मुहैया न करवाकर उसकी अनदेखी कर रही है। प्रियंका ने आगे कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का रुख लोगों और देश का सम्मान नहीं करने के उनके भाव को दर्शाता है, और ये बात उसके पिछले 10 वर्षों के शासन के दौरान बनाई गई नीतियों से भी साफ झलकता है। मोदी सरकार की नीतियां हमेशा प्रधानमंत्री के 5-6 कारोबारी मित्रों का समर्थन करने के लिए बनाई जाती है और जनता को इसका लाभ नहीं मिलता है।
प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है, वैसे वक्फ बिल पर भी सरकार की टेंशन खत्म नहीं हो पा रही है। बैठकों में विवाद हो रहा है, लेकिन आज की बैठक में विपक्ष का पलड़ा भारी रहा और जगदम्बिका पाल को विपक्ष की मांग माननी पड़ गई। तो क्या हुआ आज जेपीसी की बैठक में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 29 अक्टूबर को वक्फ बिल में संशोधन पर जेपीसी की एक और बैठक बुलाई गई। इसमें जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्रियों को समन किया था। इस बैठक के दौरान विपक्षी सांसदों ने दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों के प्रेजेंटेशन की मांग दोहराई और आखिरकार अध्यक्ष को उनकी मांग माननी पड़ी। जगदम्बिका पाल ने दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को जेपीसी के सामने प्रेजेंटेशन देने की इजाजत दे दी, लेकिन विवाद तब भी नहीं रुका। बैठक में जब वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर अश्विनी कुमार ने अपनी बात रखी तो विपक्षी सांसद उनका विरोध करने लगे। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड की टीम के जेपीसी बैठक में शामिल होने को गैर कानूनी बताया। बैठक के दौरान जेपीसी चेयरमैन ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का भी जिक्र किया, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई कि अध्यक्ष उनकी चिट्ठी को सार्वजनिक कैसे कर सकते हैं। इस पर अध्यक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे पास पहुंचने से पहले ही ये लेटर सार्वजनिक हो गया था। दरअसल केजरीवाल ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने सरकार की परमिशन के बिना दस्तावेज पब्लिश कराए हैं और पिछली बैठक में इसके विरोध में विपक्ष ने वॉकआउट तक कर दिया था। फिलहाल इस बैठक में जगदम्बिका पाल ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के सस्पेंशन खत्म होने की बात कही है। बता दें कि कल्याण बनर्जी ने बयान देते हुए साफ किया कि मेरा बोतल फेंकने का इरादा नहीं था, लेकिन बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने मेरे परिवार को अपशब्द कहे थे और जब अध्यक्ष सामने आए तो उन्होंने भी मुझे ही शांत रहने को बोला तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बोतल टेबल पर मार दी। जेपीसी की बैठक में विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है कि बैठक में सिर्फ मनमानी चल रही है। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि रिपोर्ट में क्या लिखा गया। वैसे आरोप इस समय यूपी की बीजेपी सरकार पर भी लग रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लैंड यूज बदलने जैसी हेराफेरी के बड़े आरोप लगाए हैं, जिससे बीजेपी सरकार की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने योगी सरकार पर लैंड यूज बदलने जैसी हेराफेरी के बड़े आरोप लगाते हुए एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के लाखों करोड़ों के निवेश के दावे कितने खोखले हैं, ये बात इस तथ्य से साबित होती है कि उन्होंने कोई भी नई जमीन ना तो औद्योगिक विकास के लिए चिन्हित करी है और ना ही घोषित करी है, बल्कि पिछली सपा सरकार में जो जमीन इलाहाबाद में रिहायशी या जो जमीन आगरा में पर्यटन कला आदि के लिए निश्चित करके आवंटित की गई थी उसी को घुमा फिरा कर उद्योगों को दिया जा रहा है। ये तो लैंड यूज बदलने जैसी हेराफेरी का घपला है। यही झूठी भाजपाई राजनीति का सबसे बड़ा सच है कि भाजपाई दावों के आधार में कोई भी जमीन नहीं होती। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर पुलिस हिरासत में मोहित की जान जाने पर भी हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा, काश जान लेने वाले मुआवजे में जीवन दान भी दे सकते। दिवाली पर जिन्होंने किसी के घर का चिराग बुझाया है, उम्मीद है कि वे झूठ के दिए नहीं जलाएंगे। झूठी रोशनी से अपने शासन काल का घोर काला अंधकार मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। जनता पूछ रही है कि जिसकी हिरासत में जान गई है उस पर बुलडोजर चलेगा, निंदनीय। और बुलेटिन के आखिर में बात मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग की। मिडिल ईस्ट में जंग को शुरू हुए एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ये जंग इजराइल पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इस बीच खबर आ रही है कि हिजबुल्ला ने अपने नए चीफ का चुनाव कर लिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला के इजराइल पर हमले तेज हो सकते हैं और इसका डर इजराइल के पीएम नेतन्याहू के अंदर दिखाई दे रहा है। तो क्यों इजराइल के अंदर दिख रहा है डर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लिबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन और हवाई हमले जारी है। हिजबुल्ला भी इसराइल पर जमकर पलटवार कर रहा है। 19 अक्टूबर को हिजबुल्ला ने ड्रोन अटैक के जरिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया था। एक ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंचने में कामयाब रहा। अगर इसराइल के प्रधानमंत्री या उनका परिवार घर पर होता तो उनका बड़ा नुकसान हो सकता था। इसके बाद से ही नेतन्याहू चिंता में दिख रहे हैं। हिजबुल्ला का डर उनके अंदर दिख रहा है। इसराइल के चैनल 11 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि एक मीटिंग के दौरान नेतन्याहू ने पूछा है कि अगर कोई ड्रोन नेसेट बिल्डिंग यानी इसराइल का संसद भवन उसे हिट करता है तो कहां छिपा जा सकता है। इससे पहले इसराइली मीडिया ने बताया था कि हिजबुल्ला के हमलों के डर से साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग की लोकेशन भी बदली जा चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा कारणों से इसराइली कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय या IDF मुख्यालय में नहीं की जाएगी। इस बीच हसन नसरअल्लाह के बाद अब एक बार फिर हिजबुल्ला को नया चीफ मिल गया है। हिजबुल्ला ने नईम कासिम को संगठन का नया चीफ नियुक्त किया है। वो इससे पहले हिजबुल्ला का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था।
हिजबुल्ला ने लिखित बयान जारी कर बताया कि उनकी शुरा काउंसिल ने सहमति से 71 साल के कासिम का चुनाव किया। नईम को 1991 में हिजबुल्ला का डिप्टी चीफ नियुक्त किया गया था। हिजबुल्ला ने जारी बयान में कहा कि कासिम को संगठन के सिद्धांतों और उद्देश्यों का पालन करने की उनकी ललक को लेकर चुना गया है। नईम को आमतौर पर हिजबुल्ला में नंबर टू नेता के तौर पर जाना जाता रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।